यह वीडियो LIC 5 ARTE की सेकेंड मीटिंग की डेमो है जो कि नो हैंड्स एक्टिविटी पर आधारित है। जैसे कि बच्चों की ज़्यादातर भागीदारी बढ़ाने के लिए बच्चे हैंड रेज ना करें बल्कि उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाए, इजी एवरेज एंड डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछे जाए जिससे कि सबकी भागीदारी रहे और बच्चे इससे अननोन रहते हैं कि उनको किस आधार पर ग्रुपिंग किया गया है। बता रहे हैं कि सच में जो हमारा पहली जो हमारी आर्ट मीटिंग थी वो वाकई में बहुत अच्छी रही है, बहुत सक्सेसफुल रही है। मैंने सबकी क्लास में जाकर देखा एक बार, वाकई में जो सबकी क्लास थी प्रमोद सर की क्लास में जाकर मुझे मजा आ गया। जिस तरीके से वो नाउन सिखा रहे थे अपनी क्लास में, सच में सर रिमार्केबल था आपका काम। ऐसे ही संतोष कुमार मैम की क्लास में गई तो जिस तरह से वो बता रही थी उत्सव और प्रत्यय के बारे में वो काबिले तारीफ था। मैं चाहूंगी कि सब तालियां तो क्लैप क्लैप सबके लिए, बहुत अच्छा बनती है, सच में बनती है तालियां। और रामजी सर की क्लास सच में मार्वेलस क्लास थी सर आपकी, मतलब मुझे ऑब्जर्व करके मजा आ गया आपकी क्लास को। मुझे लगा कि हाँ मैं किसी क्लास अटेंड करी। और ऐसे ही हमारे जो नरेंद्र सर हैं, मतलब कहना कम रहेगा इनके लिए, मैं जितना कहूंगी उतना ही कम होगा। वाकई में सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे, जिस तरह से आपने वो एक्टिविटी कराई, हमारी जो पहली वाली एक्टिविटी थी ढू नाव वाली, जिस तरह से आपने उसे एग्जीक्यूट किया और जितने अच्छे से आप अपने बच्चों के साथ आपने उसे किया और विद इन 5 मिनट्स सर ने उसे कम्प्लीट भी किया जो उसका टाइम लिमिट था। वाकई आप, मैं मीनू मैडम की तरफ आना चाहूंगी। मीनू मैम सच में, मतलब अगर किसी को सीखना है कि इंग्लिश कैसे पढ़ानी है और कैसे नाउंस को इंट्रोड्यूस करना है तो प्लीज एक्टिविटी बेस्ड, हाँ एक्टिविटी बेस्ड। आप, मैं चाहूंगी कि हमारे जितने इंग्लिश के हमारे फैकल्टीज हैं वो जरूर एक बार मैम की क्लास अटेंड करें और देखें कि मैम जिस तरह से अपनी क्लास में, दूसरे की क्लास हमें देखनी चाहिए तो अच्छी तरह से क्लैप सबके लिए, आपस में क्लैप एक दूसरे के लिए क्लैप करें। बहुत मैंने आप सबके लिए कुछ कार्ड बनाए हैं जो मैं चाहूंगी कि मैं अपने जो मेरे आर्ट मेंबर्स हैं उन्हें जरूर बताऊं कि वो मैंने उन्हें किस रूप में मैंने उन्हें पाया। संतोष मैम मोस्ट एंथुसियास्टिक मेंबर, प्रमोद सर वर्सटाइल मेंबर ऑफ द ग्रुप, नरेंद्र सर मोस्ट इनोवेटिव मेंबर ऑफ माय ग्रुप, मीनू मैम मोस्ट क्रिएटिव, यू आर रियली मोस्ट, थैंक यू वेरी मच, एंड यू आर द मोस्ट एनर्जेटिक मेंबर ऑफ आवर ग्रुप। थैंक यू वेरी मच, तो ये जो कार्ड है ये एक आपका रिकॉग्निशन का एक तरीका था मेरा, उसको मैं हमेशा संभाल के रखा। मैं चाहूंगी आप इसे संभाल कर रखें। और आर्ट मेंबर्स को आपने इतने सम्मान के साथ ये कार्ड दिए हैं। अरे आप सम्मान के लायक है मैम, इसलिए आपको सम्मान दिया गया है। एंड सेकेंडली मैं चाहूंगी कि ये जो प्रैक्टिस है ये हम अपने बच्चों के साथ भी फॉलो करें, क्योंकि जब हम बच्चे को रिकॉग्नाइज करते हैं तो इसका जो बूस्टिंग का जो लेवल होता है वो बिल्कुल अलग ही होता है। जब हम इतने छोटे से कार्ड को संभाल कर रखते हैं तो जब हम ये बच्चे को देंगे तो वो जो बच्चा है उसका जो लेवल होगा वो अलग होगा। ठीक है, ये हमारी एक रिकॉग्निशन बिल्डिंग की एक प्रैक्टिस है जो हमने फॉलो कर ली। अब आ जाते हैं हम अपना नई स्ट्रेटजी, नई स्किल जो हमने इस बार अपने आर्ट मेंबर टू की रखा, हमारी मीटिंग है इसमें, हाँ जो हमारा एजेंडा है जो हमने वहाँ लगा दिया है, इसके अंदर हमारा सबसे पहले जो हमारी जो एक्टिविटी है वो क्या है, वो है नो हैंड्स एक्टिविटी। नो हैंड्स एक्टिविटी के अंदर आपको पता है आपके क्लास में जाते हैं, आपको पता है आपके बच्चे कौन कौन से लेवल के हैं, तो आपने किस तरह से एक्टिविटी प्लान करनी है कि बच्चों को ना पता रहे कि वो किस लेवल पे है लेकिन आपको पता है कि वो किस लेवल पे है, किस टाइम पर ले जानी है ताकि आप उनसे उनके लेवल का काम करा रहे थे और जब वो क्वेश्चन पे आते थे तो उनके साथ क्या प्रॉब्लम आती थी कि उन्हें ये भी समझ में नहीं आता था कि मैंने क्वेश्चन पूछा 3-4 नहीं जवाब दिया तो उन्हें लगा कि मैं क्या करूं ताकि मेरे सभी बच्चे जवाब दें, तो उसके लिए उन्होंने ये एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करी नो हैंड्स। मैडम मैं बताना चाहूंगा नो हैंड के लिए जो मैंने एक्टिविटी यूज की, जो स्ट्रेटजी बनाई उसके बारे में बताना रहते हैं। एक बहुत ही एक्टिव होते हैं, कोई भी रिस्पांस बहुत जल्दी दे देते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो शांत होकर के बैठे रहते हैं, उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता है। मैंने इसको मॉडिफाई करने के लिए संख्याओं के नंबर दिए, इवेंट नंबर उन बच्चों को दिए जो बहुत ही एक्टिव थे और ऑड नंबर उन बच्चों को दिए जो थोड़ा सा शांत रहते थे या कभी रिस्पांस नहीं देते, वो हमारी नॉलेज में था, उन बच्चों को नहीं पता था। इसके बाद में मेरा लेसन 9th क्लास में इंग्लिश में एक लेसन है साउंड ऑफ म्यूजिक, मैंने दो तरह के क्वेश्चन फ्रेम किए, एक उन बच्चों के लिए जो बहुत ही एक्टिव होते हैं और
दो क्वेश्चन उन बच्चों के लिए जो जिस तरीके से मैंने उन बच्चों को अपने माइंड में डिफ्रेंशिएट भी किया और उनके लेवल से क्वेश्चन पूछ करके उनको सेटिस्फाइड किया। बढ़िया परफॉर्मेंस सर। संतोष संतोष काम को जानेंगे, उन्होंने किस पे एक्टिविटी प्लान की। नो हैंड के तहत मैंने एक एक्टिविटी तैयार की, बॉल पास करेंगे बच्चे और मैं बैक साइड करके खड़े हो जाऊंगी। जिस बच्चे के पास बॉल जाएगी तो मैं समझ जाऊंगी कि बच्चे का लेवल क्या है, तो उसी लेवल का भी शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, वेरी गुड। और रामजीत सर आप बताना चाहेंगे आपकी एक्टिविटी बारे में। नो हैंड्स की एक्टिविटी में जैसे बजट पढ़ाने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स में, तो सबसे पहले जाते ही मैं क्वेश्चन लिख दूंगा हमारा वित्त मंत्री कौन है, बस ओपन क्वेश्चन छोड़ देंगे क्लास में और तब तक थोड़ा दो मिनट का स्पेस भी देंगे बच्चों को बजट पढ़ाने से। फिर मैं भाई मैं इसमें विश्वास रखता हूँ टीचर्स को बच्चों के नाम और कॉन्ट्रोल भी नाम से ही करना चाहिए, एक दो नंबर से नहीं करना चाहिए। लेसन पढ़ाने के बाद कुछ क्वेश्चन और तीन अलग अलग बॉक्सेस में डाल दिए, एक ब्लू बॉक्स, एक ग्रीन बॉक्स, एक रेड बॉक्स, और बच्चों को ब्लू रेड और ग्रीन स्ट्रिप्स बांट दी। तो जिसके पास ब्लू स्लिप आई वो आके ब्लू बॉक्स में से क्वेश्चन निकाल के पढ़ेगा और उसका आंसर देगा, जिसके पास ग्रीन स्लिप आई वो ग्रीन बॉक्स में से क्वेश्चन निकाल के उसका आंसर देगा। उसी लेवल के क्वेश्चन मैंने उन बॉक्सेस में डाल दिए, तो पूरी क्लास ने इसमें पार्टिसिपेट किया और सारे बहुत खुश हुए।